देवली में दो ट्रेलरों की भीषण भिड़ंत हुई है। ट्रेलर सवार दो लोग जिंदा जल गए, एक गंभीर घायल है। NH-52 पर जूनिया मोड़ के पास घाट थाना क्षेत्र की घटना। चौक से आई दमकल ने आग पर नियंत्रण किया। घाट थाना पुलिस और सरोली पुलिस मौके पर पहुंची। देखिए एक और दर्दनाक हादसा और एक और ऐसी खबर जो कहीं ना कहीं दिलों को झकझोर देने वाली है। दो लोगों की जिंदा जलने से सड़क हादसे के बाद मौत हुई। दरअसल टोंक की देवली का ये वाकया है जहां दो ट्रेलरों की भीषण भिड़ंत हो गई। ट्रेलर सवार दो लोग इसमें जिंदा जल गए। उन्हें कोशिश मौका भी आप समझ सकते हैं नहीं मिला। ऐसे में अपने आप को बचाने का दोनों जिंदा जल गए, एक गंभीर रूप से जख्मी है। NH-52 पर जूनिया मोड़ के पास घाट थाना क्षेत्र की घटना। टोंक से दमकल पहुंची और आग पर नियंत्रण तो किया गया, लेकिन उससे पहले दो लोगों की जलकर मौत हो गई। अलवर के किशनगढ़ बास से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप गाड़ी ने महिला को कुचल दिया। मॉर्निंग वॉक के दौरान यह हादसा हुआ। इस घटना के बाद मौके से पिकअप का चालक फरार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक आशु बहरोड़ के निवासी थे। एक और दर्दनाक सड़क हादसा और एक बार फिर से एक व्यक्ति की लापरवाही का खामियाजा एक महिला को उठाना पड़ा। महिला की इसमें मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक करने निकली थी, किसे पता था कि अपने घर पर वापस नहीं लौट पाएगी। अलवर के किशनगढ़ बास से खबर है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें उन परिवार वालों की जिनकी इस दुर्घटना के बाद में दुनिया से उजड़ गई। अलवर के किशनगढ़ बास से तस्वीरें भी है। गैस सिलेंडरों से भरा हुआ यह पिकअप। मॉर्निंग वॉक के दौरान ये महिला, बताया जा रहा है कि निकली थी अपने घर से। आशु नाम की महिला बहरोड़ निवासी थी। अलवर के किशनगढ़ बास से यह हादसा